दुनिया के कई देशों में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका हो या अमेरिका या फिर ब्रिटेन, सब जगह हाल यही है। कहीं लोग रंगभेद के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो कहीं कोरोना के लॉकडाउन के लोगों के खिलाफ लोगों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया के कई देश प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं। हर जगह लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। कई देशों में हिंसा के लपटे उठ रही हैं। हिंसक प्रदर्शनकारी सब कुछ जला देने को तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और यूएस में हिंसा की आग तो मानो सब कुछ राख कर देगी। जोहानसबर्ग में सड़कों पर गोलीबारी हुई तो अमेरिका के यूएस के विस्कॉन्सिन में रंगभेद के खिलाफ बवाल मचा है। उधर स्वीडन में प्रदर्शनकारियों ने शहर में आगजनी कर दी। तीनों देशों में हो रहे प्रदर्शन सब कुछ जला देने पर आमादा हैं। दुनिया में कई देशों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना का खतरा और बढ़ता जा रहा है। देखिए जर्मनी का हाल। जर्मनी में लोग हाथों में झंडे लेकर सड़क पर उतर गए। वो कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन से परेशान है। पहले लोग प्रदर्शन कर रहे थे, फिर धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गया। कई इलाकों में हंगामा शुरू हो गया। कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस महामारी के लॉकडाउन ने ब्रिटेन में भी लोगों को उबा दिया है। ब्रिटेन में भी यही हाल है। यहाँ लॉकडाउन की पाबंदियों से लोग परेशान हो गए हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर आई है और पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन की पाबंदियों का विरोध शुरू हो गया है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से बेहाल है और अभी भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ में डबल मर्डर में हुए खुलासे ने सबको चौंका दिया। बेटी ने ही अपनी माँ और अपने भाई को मार दिया और अब वो कह रही है कि उसे भूत दिखते हैं। उसके घर में भी अजीब सी चीजें मिली हैं। लखनऊ डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मर्डर में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बात सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी बेटी के घर में नरकंकाल भी मिला है। लड़की के घर में रोती हुई स्माइली की फोटो भी मिली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटी ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसने बताया है कि मुझे भूत दिखते हैं। कल जब उसने अपनी माँ और अपने भाई को मारा था तब भी उसे भूत दिखे थे। लड़की के हाथ पर कई जगह ब्लेड से कटे होने के निशान हैं। लड़की ने ब्लेड से काट कर अपने हाथ पर गॉड लिखा है। उसने डबल मर्डर की बात भी कबूली है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस जब वाजपेयी के घर पहुंची तो आरोपी लड़की किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। उसकी मनोस्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उस लड़की को एक इंजेक्शन दिया और इसी बहाने उसके हाथ पर लगे चोट देख लिए। उसके दाहिनी हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी बंधे होने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मैंने खुद ही अपने हाथों पर रेजर से ये निशान बनाया है। लड़की ने कई तरह की अजीबोगरीब कहानियां पुलिस को सुनाई और आखिरकार घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर लिया। लड़की अभी हिरासत में है, अपने घर पर ही है। मानसिक हालत ठीक न होने के चलते उसे रात में कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई थी। नेशनल लेवल की शूटर 16 साल की नाबालिग इस लड़की ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा। निश्चित तौर पर ये शब्द किसी नकारात्मक सोच की ओर इशारा कर रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपनी नानी को फोन कर घर बुलाया। शुरू में ऐसा लगा कि ये किसी बाहरी अपराधी के करतूत है, लेकिन बेटी के पूरी तरह से सुरक्षित होने पर शक पैदा हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।